अस्सलाम वालेकुम, जवाहर हफीज़ एक नई वीडियो के साथ। सर, ये अगर आप इस ब्रोशर को देखें तो ये पैसे के बारे में कुछ बता रहा है। ये ब्रोशर जो है ये कह रहा है कि अगर आप $1,000 यानी 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो आप 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए भी हैंडल नहीं कर सकते और 15 करोड़ रुपए भी हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आप पैसे को मैनेज करना अचानक किसी हादसे के तौर पर नहीं सीख लेते। पैसा मैनेज करना एक आर्ट है जिसे सीखना पड़ता है, जिसे समझना पड़ता है, और उसके लिए उसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। वो एक ऐसी चीज़ है कि आप पैसे को संभालना, पैसे को इन्वेस्ट करना, आप पैसे को बढ़ाना, ये इसको अगर आप समझेंगे तो ये तभी आपको आएगा कि कितना पैसा आपको कैश रखना चाहिए, कितना कारोबार में लगाना चाहिए, किस तरीके से आपने अपनी रिकवरी करनी है, कि आपने अपना मंसूबा करना है। आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है, और ये हमारे यहाँ लोगों को फाइनेंसेस मैनेज करने नहीं आते। वो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ नॉट अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ वेल्थ, वेल्थ इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। यानी जब आप पैसा हैंडल करना सीख लेते हैं, पैसा कमाना सीख लेते हैं, तो आप अपने आप मालदार हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं। अगर आप पैसे के बारे में मामलात को सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे नीचे दिए गए नंबरों पर रابطہ करें और 1-to-1 सेशन में आएँ। हम पैसे की मैनेजमेंट के बारे में, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और 30 साल से मैं ख़ुद भी अब पैसे को मैनेज कर रहा हूँ, अपने पैसे को कामयाबी से, बल्कि लोगों के पैसे को भी कामयाबी से मैनेज कर रहा हूँ, उन्हें गाइड कर रहा हूँ और एजुकेट कर रहा हूँ। तो अगर आप तरक्की के सफ़र के ऊपर आप चाहते हैं चलना तो मैं इसमें आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आप ख़ुद से सवाल पूछें, क्या आप तैयार हैं? इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।